नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में यूएस तवन कृषि फाउंडेशन तौसा। तो कुछ बातें हमने कल कर ली थी, कुछ बातें हम आज कर लेते हैं, और जितना हो सकता है उतना हम आपको ऑनलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट वे के अंदर। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी कहानी कहीं पे यदि दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है, आपका जो ICAR का फोरम है, ICAR 31 मार्च, इसकी लास्ट डेट है। इसलिए जिन बच्चों ने ये फॉर्म नहीं भरा है वो बच्चे सभी इस फॉर्म को लगा दे। ICAR का 31 मार्च है, यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है कहीं भी तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हो जो नंबर आपको दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था, ABCD के अंदर हमको पूरी चीजें याद होनी चाहिए, उसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि Y कितने नंबर पे आता है, R कितने नंबर पे आता है और T कितने नंबर पे आता है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर R और S की ट्रिक बताओ, ये आपने ट्रिक नहीं बताई, इसका ट्रिक बताओ। मैंने कहा जी कोई बात नहीं है, देखिए 18 और 19 ये रुपए मान लो, 18 और 19 रुपए मान लो, खत्म। कितने रुपए हैं? 18 और 19, ये आर एस रेट पे ऐसे लिखते हैं ना, आर और एस, 18 और 19 रुपए, क्लियर। चलो कल का मैं रिवीजन करा देता हूं कि हमने पढ़ा था ए कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे, बी कितने नंबर पे आता है, दो नंबर पे, बिट्टू से, सी कितने नंबर पे आता है, तीन से, तीन नंबर पे, डी कितने नंबर पे आता है, चार नंबर पे, फोर्ड से, इजोटी से, ई पांच पे, एफ प्लेटफॉर्म से छह पे, जी आकृति से सात पे, एच आकृति से आठ पे, आई आकृति से नौ पे, छोटा आई, जतिन जे 10, किंग्स 11, के 11, लक्ष्मी निवास 12 और 14 हो गए, ऑरेंज कितने के भाव, 15 के भाव, तेरी मेरी 13 और मेरा, सोडा पी के पी पे कौन आ गया, 16 आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 या पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर उसके ऊपर खतरा आपका। उसके बाद आर और एस रुपए कितने, 18 और 19। उसके बाद T20 ऐसे याद कर लो, T20 मैच या फिर इजोटी से T20 पे आता है, T20 में 6 छक्के किसने मारे हैं 6 बॉल पे, युवराज सिंह ने, मतलब यू और वी, यू 21 पे आएगा और वी 22 पे आएगा, यू एक डंडे से मिलकर बना होता है इसलिए एक दो आएगा केवल, वी डबल डंडे से होता है इसलिए दो बार आता है, एक्स वाई जेड, इजोटी से वाई कितने पे चलेगा, 25 पे। अब बचा एक्स और जेड, जेड के बारे में हम जानते हैं कितने पे आएगा, 26 पे, एक बार याद करना है कितना, 24। तो यहां तक हम जान चुके हैं कि ABCD का प्लेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद आपको मैंने उल्टा क्रम भी बताया था, फॉर्मूला 27 का भी यूज कराया था, यदि किसी का विपरीत निकालना हो तो फॉर्मूला 27 भी हम देख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ जी के विपरीत क्या आता है, तो जी कितने पे आ गया, 7 पे, इसके विपरीत मैं पूछू -7 कर दो तो कितना बचा, 20 पे क्या आता है, T20, जी टी आ गया, गौरव टावर बोला था मैंने इसको कल, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको कल बताई थी, आज इससे हम आगे पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अपना जो पहला टॉपिक है कोरिंग डिकोडिंग, लिख लीजिए, कोरिंग डिकोडिंग हिंदी में बोलते हैं इसको, कूट लेखन कूट वाचन
कूट लेखन कूट वाचन कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग मतलब क्या है? एक शब्द को मैं एक शब्द के कोड के रूप में लिखूंगा, एक शब्द को मैं एक शब्द के कोड में लिखूंगा, वो निकालना है आपको कि ये शब्द कैसे लिखा गया है। जैसे देखिए, एक मैंने शब्द लिया ए एंड बी, इसको मैंने सपोज दैट लिख लिया बी एंड सी, तो ये देखना है एक शब्द को एक शब्द के रूप में कोड कर दिया मैंने, ए को मैंने बी के रूप में कोड किया है और बी को मैंने सी के रूप में कोड किया है। देखिए, ए कितने नंबर पे? एक नंबर पे। बी कितने नंबर पे? दो नंबर पे। यहाँ पे भी दो नंबर पे और सी कितने नंबर पे? तीन नंबर पे। तो यहाँ एक और कितना बढ़ गया? दो। क्या किया मैंने? प्लस एक। दो से कितना हो गया? तीन। यहाँ पे क्या किया? प्लस एक। तो शब्द को शब्द के रूप में मैंने क्या किया है? कॉर्ड किया है। इसे बोलते हैं कॉर्डिंग और डिकॉर्डिंग। क्लियर? अब पहली जो टाइप है हमारी वो लिख लीजिए, टाइप नंबर फर्स्ट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, अपन टाइप के अनुसार पढ़ेंगे। टी वन पहली टाइप, शब्द को शब्द के रूप में कोड करना। पहली टाइप ये डाल लेते हम, शब्द को शब्द के रूप में कोड करना। देखिए, पहली जो हमारी टाइप रहेगी, शब्द को शब्द के रूप में कोड करना है। जैसे सपोज दैट मैंने आपको बताई दिया, पहले लिख लिया कि शब्द को शब्द के रूप में कोड करना। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज एक ही रहेगी, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं करना है, लैंग्वेज एक ही रहेगी, केवल टाइप है, टाइप हमको याद रखना है, कुछ याद नहीं करना। लैंग्वेज सभी क्वेश्चनों की एक रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहले मैं लिख देता हूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ऐसे आपको बिल्कुल यहां तक तो, यहां से लेके यहां तक तो कॉपी मिलेगी लाइन, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम। इसके बाद में जैसे हमने लिख लिया ई एफ जी एच, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द, इसके आगे शब्द और जोड़ लेना, शब्द ई एफ जी एच को, ई एफ जी एच को, जैसे इसको लिख लेते हैं एफ जी एच आई, ठीक है, शब्द के भाषा में शब्द को ई एफ एफ जी एच आई के रूप में कूट लेखन किया गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द ई एफ जी एच को जी एफ जी एच आई के रूप में कूट लेखन किया गया है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में ओ पी क्यू आर को क्या लिखा जाएगा? ये उतार लीजिए पहले आप। आपका जो है क्वेश्चन,
वो इसी फॉर्मेट के अंदर आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी आपसे। बिल्कुल ऐसे कैसे आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहां तक कॉपी होगा, केवल इसमें चेंज होगा, को ये लिखा जाता है, इसमें चेंज हो सकता है के रूप में कूट लेखन किया जाता है। कूट लेखन मतलब छुपा दिया कि इसने ये कैसे बनाया है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, मतलब जो यहाँ पे फॉर्मेट सेट हुआ है यहां तक, वही फॉर्मेट इससे लेके आगे तक क्या होगा शब्द, वो अपन को जांच करना है। क्लियर? तो उतार लीजिए एक बार। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्या है ई एफ। अभी देखो जो बच्चों को आ गया है वो थोड़ा धैर्य रखें, अपन उस लेवल पे भी जाएंगे जिसके आपको ये जिसके बारे में आप सोच रहे हो। देखो मैंने कल सिखाया था आपको, जैसे ही ये चीज लिख लिया आपने कि इसको तो ये लिखा जा रहा है, पहला काम क्या करना है हमको, इस पे नंबरिंग देनी है। ये कितने पे, 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, पहले ये काम करना ही है अपन को। नहीं करोगे तो भी ये मात खा जाओगे, और करने से एक फायदा मिलेगा कि आपको ये वर्ड अच्छे से याद रहेंगे। उसी प्रकार 6, 7, 8 और 9। तो देखिए 5 से लेके कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब कितना किया +1। 6 से लेके कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, मतलब कितना किया +1। 7 से लेके कितना हो गया भैया, 8 हो गया, तो कितना हो गया +1। और 8 से लेके कितना हो गया, 9, तो कितना हो गया +1। आपने यहाँ पे देखा कि पूरी सीरीज के अंदर +1 +1 +1 +1 +1 ये चीज फॉलो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमसे कोड पूछा है, हमसे कोड क्या पूछा है, चलो ये मिटा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा यहां से मैं मिटा दे रहा हूं। हमसे ये कोड पूछा है कि ओ पी क्यू आर, तो सबसे पहले इस पे नंबरिंग डालो, 15 16 17 और 18 बराबर। यहां पे क्या किया, +1 +1 +1, सब में +1 कर दीजिए। देखो 15 और 16 16 पे क्या आता है भाई, सोडा पी के पी। 16 और 17 17 पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 17 17 और 18 आर एस, और 18 और 19 एस। तो दैट इज आंसर, ये आ जाएगा, लिख लीजिए। अगर इसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो वो चीज कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पहली क्लास डलते ही आपके पास वो अपडेट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, उसमें फायदा आपको ही मिलेगा। लाइक करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए, हाँ एक रिक्वेस्ट और है आपसे। जैसे मान लो आप जयपुर के विद्यार्थी हो और जयपुर के स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो आपके साथ वाले हैं उनको भी ये चीज शेयर करनी है, और ये चीज का फायदा उनको भी थोड़ा मिलना चाहिए। जैसे मान लो करौली के विद्यार्थी हो आप, तो वहां पे जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी इसके बारे में बताओ, जिससे कम से कम आपके जो 22 डेज हैं जो फ्री के जाने वाले हैं, कोई मतलब नहीं है उन बच्चों का, अगर उनको ये चीज पढ़ने के लिए मिलती है, तो शायद वो आने वाले टाइम में आपको एक थैंक्स जरूर बोल के जाएंगे कि हाँ आपने हमारे लिए अच्छा काम किया। ये चीज जरूरी है आपके लिए, आपको ये चीज शेयर करो, शेयर करोगे तो उतना अच्छा रहेगा, कम से कम आप भी डिस्कस कर पाओगे, हाँ सर ने ये चीज हमको बताई थी और वो चीज आपको आती है तो आप मेरे को बता दो, नहीं आती तो मैं सर से पूछता हूँ। तो फायदा बेनिफिट आपको ही मिलेगा उसके अंदर, और जितना हो सकता है, जितनी अपनी फैमिली बना सकते हैं हम, उतना कॉपरेट कीजिए इस चीज के लिए, और उतने ही अपने बच्चों को जोड़िए, अपने साथ वाले जो साथी हैं आपके उनको इस चीज से जोड़िए, उनको फायदा कराइए, आपको फायदा मिलेगा उनको फायदा मिलेगा इसमें। ये है
देखिए लैंग्वेज मैंने बताया किसी सांकेतिक भाषा में एक शब्द आ जाएगा को ये लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में शब्द आ जाएगा को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जे के एल एम यदि किसी सांकेतिक भाषा में जे के एल एम को एल एम एल एम एन एल एम एन ओ लिखा जाता है तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में पी ओ क्यू आर को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जे के एल एम को एम एल एन ओ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पी ओ क्यू आर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, यदि आपके पास करना चाहते हो तो कर लो, पहले नंबरिंग डालो फिर अंतर निकालो, कितने का अंतर आ रहा है वो अंतर खोलो, इसमें कर दो आप। देखिए काफी टाइम जी कितने पे आ गया, 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे। देखिए 10 से कितना हो गया 12, क्या किया प्लस 2, 12 से कितना हो गया सॉरी 11 से कितना हो गया 13, क्या किया प्लस 2, 12 से कितना हो गया 14, कितना किया प्लस 2, और 13 से कितना हो गया 15, कितना किया इसने प्लस 2, प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो। हमने यहाँ पे क्या देखा है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ये फॉर्मेट हमने यहाँ पे देखा है, तो यही फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पी 16 पे, ओ 15 पे, क्यू 18 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 और आर 18 पे क्या करना है हमको, प्लस टू प्लस टू प्लस टू। देखिए प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, 16 और 2 18, 18 पे क्या आता है भैया आर आता है, 15 और 17 पे क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, 17 और 2 19 पे एस आ गया, और 18 और 2 20 T20 आ गया। दैट इज आंसर सबका सेम आया है क्या? अगर नहीं आया जिस बच्चे का एक बार उतार लीजिए। कई बच्चों का कमेंट ये आ रहा है सर हमारी और क्लास भी लगाई है। देखिए जैसे जैसे हमारे पास टीचर की व्यवस्था बैठती जाएगी, हालांकि हमारे पास टीचर उपलब्ध हैं, लेकिन जो आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण टीचर्स कहीं आ जा नहीं सकते, ठीक है, तो जैसे ही उनकी क्लास हमारे पास आती है हम आपको क्लास अपडेट उसके अंदर कर देंगे, यूट्यूब के अंदर। हो सकता है कल आ जाए, आज का टाइम था आने का लेकिन आज नहीं आ पाई, तो कल अपडेट हम कर देंगे, तो इसलिए घबराइए मत, आपको क्लास पूरी मिलेगी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इतनी लाइन तो सेम कर लो बिल्कुल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, लिखिए जे पी क्यू आर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जे पी क्यू आर को जे पी क्यू आर को के ओ आर क्यों लिखा जाता है तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में
तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में यू टी एल ओ को क्या लिखा जाएगा, यू टी एल ओ को क्या लिखा जाएगा, बताइए भाई। बस इतना टाइम बाकी है, आंसर आ गया तो मैच कर लीजिए आपका। 10 नंबरिंग पहले काम, 10 16 17 18। देखिए आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने सिखाया था 0 से लेके लेके चल रहा हूँ और अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। ये देखिए कि हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, कि नंबर को देखेंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितने नंबर पे ये आता है। यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है पहले ये देखेंगे हम। 10 से लेके कितना हो गया, 11, जी प्लस 1 हो गया ठीक। अब देखिए यहां से लेके यहां पे क्या हुआ, 16 माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से लेके यहां पे क्या हुआ है, 17 और 1 18 प्लस 1 हो गया ठीक है सर। यहां से लेके यहां पे क्या हो गया, 18 और 1 माइनस 7। हमने यहां पे क्या देखा, पहले हो रहा प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, हमने ये सीरीज देखी यहां पे, क्लियर। अब ये सीरीज ही यहां पे हम फॉलो करने जाएंगे, ये वाली सीरीज यहां पे फॉलो करनी है। देखो यू कितने पे आता है, पहले इसकी नंबरिंग देना सबसे बड़ा काम है ठीक है। नंबरिंग जब हमने दे ली तो बस इतना सा कर दो, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। देखिए 20 21 और 1 22 कितना आ गया, वी 20 माइनस 1 19, 19 पे क्या आता है एस, 12 प्लस 1 13 पे क्या आ गया एम, और 15 माइनस 1 14, 14 पे क्या आता है एन। सभी का आंसर क्या आया था क्या, चेक कर लीजिए, और नहीं आया तो आंसर छाप लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ठीक है तो लाइक का बटन दबा देना कि सर ठीक है ये स्पीड। लिखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड को एफ जे सॉरी जी जे एफ एम ई, जी जे एफ एम ई, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एफ आई ई एल डी फील्ड को जी जे एफ एम ई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्मल, नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा, नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा, कीजिए। देखिए पहले सबसे काम नंबरिंग, 6 9 5 12 4 7 10 6 13 5, ये स्पीड में आपकी होनी चाहिए नंबरिंग देने की स्टाइल। देखो 6 से कितना हो गया भाई, 7 प्लस 1, 9 से कितना हो गया 10 प्लस 1, 5 से कितना हो गया 6 प्लस 1, 12 से कितना हो गया 13 प्लस 1, और
चार से कितना हो गया पांच प्लस एक, कितनी बड़ी हो को फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ये रिलेशन ढूंढना होता है यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे सीक्वेंस सीधी सही आ रही है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ये भी ठीक है, प्लस एक माइनस दो प्लस एक माइनस दो, चलेगी सीरीज सेम टू सेम। तो यहाँ पे जो सीरीज लग रही है अभी तो जो मैंने पढ़ाया वही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने इस पे नंबरिंग डाल दी है, सब पे प्लस एक करके लिखना है, तो लिख दो बस, चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह और एक सोलह, अठारह और एक उन्नीस, तेरह और एक चौदह, एक और दो और तेरह आंसर। ये सभी का आंसर है क्या, चेक कर लीजिएगा। देखिए अब आपको धीरे धीरे आने लगे हैं क्वेश्चन, आएंगे, अभी ये जीरो लेवल के क्वेश्चन है आपको, लेकिन धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना है, यदि एकदम से लेवल दे देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आपके, ठीक है। देखिए लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी ओ ए टी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी ओ ए टी को सी के डब्लू पी, क्या सी के डब्लू पी लिखा जाता है, सी के डब्लू पी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में आर ओ पी ई को क्या लिखा जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी ओ ए टी को सी के डब्लू पी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आर ओ पी ई को क्या लिखा जाएगा। कीजिए सवाल, सबसे पहले नंबर दीजिए, उसके बाद में अंतर निकालिए, कोई सा अंतर फिट बैठेगा उसी अंतर को यहां पे डाल दीजिए, खत्म आंसर। देखिए जी कितने पाता है, सात, सात पंद्रह एक बीस, ये आपने देख लिया बिल्कुल, यहाँ पे तीन ग्यारह तेईस और सोलह, ठीक है। यहां से देखिए सात से कितना हो गया तीन, माइनस कितना किया भाई चार, पंद्रह से कितना हो गया ग्यारह, यहां पे क्या किया इसने माइनस चार, एक से कितना हो गया तेईस, देखो एक और इसके बाद में छब्बीस पच्चीस और चौबीस, उसके बाद में क्या बच गया तेईस, यहाँ पे भी क्या किया है इन्होंने माइनस चार, और यहाँ पे जाके देखिए कितना था ट्वेंटी, कितना आ गया सिक्सटीन, तो माइनस चार, आपने यहाँ पे क्या देखा माइनस चार माइनस चार माइनस चार और माइनस चार, वो यहाँ पे काम कर देगा आपको, देखो अठारह पंद्रह सोलह और पांच, अठारह में से चार गए तो कितने बचे भाई चौदह, चौदह पे क्या आता है n, पंद्रह में से चार गए तो ग्यारह, ग्यारह पे क्या आता है k, सोलह में से चार गए तो बारह, बारह पे क्या आता है l, और पांच में से चार गया तो कितना बचता है a, क्या सभी का आंसर ये आया था क्या, मैच कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को NGLI लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PINK को NGLI लिखा जाता है तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में आयरन, आयरन को क्या लिखा जाएगा, आयरन को क्या लिखा जाएगा, कीजिए। देखिए पी कितने पे आता है 16 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, पी कितने पे आता है 11 पे, उसी प्रकार एन कितने पे आता है 14 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, एल कितने पे आता है 12 पे, आई कितने पे आता है 9 पे। देखिए 16 से कितना हो गया 14, माइनस कितना किया भाई 2, 9 से कितना हो गया 7, माइनस कितना किया 2, एन से कितना किया माइनस 2 और के से कितना हो गया माइनस 2। कर दो बस ये काम यहाँ पे, देखिए आई 9, आर 18, ओ 15 और एन 14, क्या सीरीज करनी है हमको यहाँ पे सेट, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। देखिए 9 माइनस 2 कितने 7, 18 माइनस 2 कितना 16, 15 माइनस 2 कितना 13 और 14 माइनस 2 कितना 12, सभी का आंसर ये आया था कि मैच कर लीजिए एक बार। अब मैं आपको दूंगा अच्छा क्वेश्चन, ये आपको सिखाने के लिए थे, अब अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, जे के एल ओ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जे के एल ओ को लिखा जाता है तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, के पी एल को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पे घबराने की बात नहीं है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे आंसर चेक कर लीजिए एक बार, सब कर लीजिए एक बार, जिसका आंसर आता है बता दीजिए। चलिए देखते हैं, जे 10 पे मिला लीजिए आंसर, के 11, एल 12, ओ 15, उसी प्रकार एच 8, एम 13, जे 10 और क्यू 17। देखिए
जी 10 से कितना हो गया 8, माइनस कितना किया इन्होंने 2, 11 से कितना रह गया 13, क्या किया यहाँ पे प्लस 2 कर दिया, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2, कोई बात नहीं है। आगे चेक करते हैं, 12 से कितना हो गया 10 हो गया, क्या किया इसने फिर माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, उसके बाद में देखिए 15 से कितना हो गया 17, यहाँ पे क्या किया प्लस 2, सीरीज बन चुकी है आपकी, क्या सीरीज बन चुकी है माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, ये सीरीज बन चुकी है, यही सीरीज यहाँ पे फॉलो करनी है, स्टार्टिंग में जो हो रहा है वही काम स्टार्टिंग में यहाँ पे करना होगा, के 11 पी 16 एल 12 माइनस 2, देखिए माइनस 2 इसमें से करेंगे, प्लस 2 इसमें करेंगे, माइनस 2 इसमें करेंगे, देखिए 11 में से 2 गए तो 9 आई, 16 में 2 जोड़ दिए 18 आर, और 12 में से माइनस 2 गए तो 10, ये सभी का आंसर आना चाहिए। अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसके लिए करना, कल आंसर करेंगे उस चीज का अपन, लिखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड GOLD यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOLD को DLIA लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में हॉप को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में हॉप को क्या लिखा जाएगा, ये कल अपन क्वेश्चन करेंगे। एक और लिख लीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेप TAP यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेप को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेप को SZO लिखा जाता है, SZO लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में FREZE को क्या लिखा जाएगा, ये दो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और इनका सॉल्यूशन अपन कल करेंगे, ये आपका होमवर्क है, कोशिश करना, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसके लिए, और जो बच्चे कमेंट करना नहीं जानते हैं उनको मैं कल यहीं पे बोर्ड पे बता दूंगा, लिख लीजिए एक बार, नहीं लिखा इसने, अब देखिए शब्द का कोड शब्द के रूप में लिखना, हमने ये टाइप देखी है, इसमें एक छोटी सी टाइप और आती है, कौन सी छोटी सी टाइप और आती है उसमें लिख लो, जैसे आपने लगाया टी फर्स्ट लगाया था वहां पे लगा दो ए, और यहां पे लगा दीजिए टी फर्स्ट बी, यहां पे क्या लगा दीजिए टी फर्स्ट बी, इसमें आपको ये लिखना है वो कब वो लिखना है, शब्द का कोड शब्द के रूप में, शब्द का कोड शब्द के रूप में
लिखना, लेकिन ब्रैकेट में डाल देना है आपको अंतिम अंतिम से पहले, अंतिम से पहले वाले शब्द का, अंतिम से पहले वाले शब्द का इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको। पहले टाइप डाल लीजिए शब्द का कोड शब्द के रूप में लिखना, और अंतिम से पहले वाले शब्द का, देखिए इसमें क्या है, शब्द का कोड शब्द के रूप में जो अपन ने पहले टाइप लिखी थी, टाइप तो वो की वो है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि टाइप को अलग है, टाइप एज इट इज है, लेकिन ये चीज अलग है अंतिम से पहले वाले शब्द का, अंतिम से पहले वाले शब्द का। जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको लिख दिया क्या, ए ई एफ जी, ए ई एफ जी, क्लियर। और यहां पे मैंने आपको दे दिया क्या, एफ जी यहां से जी हटा दीजिए एक बार, यहां पे ऐसे ले लीजिए आप कि यहां पे ले लिया ई, यहां पे ले लिया डी और यहां पे ले लिया जे। देखिए बैठने को तो यहां से यहां पर भी बैठ जाएगा, यहां से यहां पर भी बैठ जाएगा, लेकिन अपन को एक बार ये टाइप समझ लेनी है कि ये टाइप का मतलब है क्या, अंतिम से पहले वाले शब्द का कॉर्ड। देखिए अंतिम ये रहा, इसका अंतिम कौन सा है, ये वाला, और पहला वाला, इसका पहले वाला कौन सा है, ये वाला। तो इसका कोड बताया गया है कि इसमें इसका क्या संबंध है। देखिए जी कितने पे आता है, सात पे, एफ कितने पे आता है, छह पे, इसमें माइनस एक कर दिया है, क्या किया है, माइनस एक, यहाँ पे छह, यहाँ पे कितना रह गया पांच, यहाँ पे कितना किया इन्होंने माइनस एक, यहाँ पे पांच, यहाँ पे चार, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे माइनस एक, क्लियर। तो इनका क्या मतलब है कि इसका जो अंतिम वर्ड होगा इसका पहले वर्ड के साथ रिलेशन रखता है, ये वाले टाइप है। लिख लीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए ई एफ जी, ए ई एफ जी को एफ ई डी जेड लिखा जाता है, लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए ई एफ जी को एफ ई डी जेड लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में जे के एल एम को क्या लिखा जाएगा। और पिछली बात है, नॉर्मल सी बात है, क्या करना है अपन को, माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक, तो यहां पे तेरह, यहां पे बारह, यहां पे ग्यारह, यहां पे दस, माइनस एक कर दो यहां पे, तो बताओ कितना आ गया। अब यहां पे आगे आना है आंसर, यहां पे आगे लिखना है, इसके नीचे मैं लिख दूंगा तो गलत कर दोगे आप, यहां पे आंसर लिख रहा हूं इसका मैं, तेरह में से एक गया तो बारह, बारह क्या आता है एल, बारह में से एक गया तो ग्यारह, ग्यारह में क्या आता है के, ग्यारह ग्यारह में से एक गया तो जे, और दस में से एक गया तो आई, ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पे इस वाले शब्द में से माइनस एक करेंगे तो कितना आ जाएगा एल, माइनस इसमें से करेंगे एक तो के, माइनस इसमें करेंगे एक तो जे, और माइनस एक करेंगे तो आई। एक और लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चन, समझ में आपके आ जाएंगी चीजें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
मंकी को लिखा जाता है तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में को क्या लिखा जाएगा। देखिए आप अपने नोट्स इसी तरीके से बनाते चलिए, मैं आपको टाइप वाइज ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, टाइप वाइज ही लिखवाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्वेश्चंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उस टाइम पे जब रिवीजन करोगे, केवल टाइप पढ़ लेना, टाइप ही काफी है, क्वेश्चंस कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप रेगुलर इस चीज की मेहनत करते हो तो वहां पे लास्ट टाइम आपके पास इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स बनेंगे कि आपने एक बार क्वेश्चन टाइप पढ़ी उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण होता है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन रैंक नहीं लगाते या फिर नंबर अचीव नहीं कर पाते। कारण उसका ये है कि बच्चे सब क्वेश्चनों को देखने लग जाते हैं, वो नहीं करना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिए, अब हमको केवल जब एग्जाम पेपर में एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पे केवल हमको टाइप देखनी है। टाइप से ऑटोमेटिक हमको याद आ जाएगा कौन कोई से टाइप उसमें को रिलेटेड, मतलब कोई न कोई से टाइप उसके अंदर मैच खा रही होगी। अगर मैच खा जाए तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। देखिए यहाँ पे एम 13 ओ 15 एन 14 के 11 ई 5 वाई 25 एक्स 24 डी 4 जे 10 एम 13 एन 14 12। देखिए यहां से और यहां तक कुछ अलग तालमेल नहीं बैठ रहा, यहां से यहां पे तालमेल बैठ रहा है, यहां पे कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, यहां पे भी तालमेल बैठ रहा है। 24 25 से 24 5 से 4 वही लाइन बैठ गई अपनी वाली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पे। तो देखिए ढंग से, देखिए यहां कितना 25 से कितना हो गया 24, 5 से कितना हो गया 4, 10 11 से कितना हो गया 10, 14 से कितना रह गया 13, 15 से 14 और 13 से कितना रह गया 12। सभी में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये वाला फॉर्मेट जस्ट इसमें फॉलो कर दो। 20 9 7 5 18 ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना रह गया एस, माइनस 1 कर दो कितना है आई, माइनस 1 एच जी माइनस 1 एफ ई माइनस 1 डी आर माइनस 1 क्यू आंसर। ऐसे आंसर आपके आने चाहिए। ये आपकी स्पीड बन गई, ये आपकी हैबिट बन गई, तो गारंटी है किसी हालत में आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है। देख लीजिए आपका आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस देख करके लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का आंसर नहीं भी लिखो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, वहीं पे रोक लिया करो, उसके बाद में आप आंसर लिख के आगे स्टार्ट कर दिया करो। देखिए लिखिए किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में ए जे क्यू एल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए जे क्यू एल लिखा जाता है तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में को क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग देनी है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी नंबरिंग दीजिए सही सही मायने में, तभी क्वेश्चंस को आप सही निकाल सकते हो।
उसके बाद मैच करके देखिए क्या पहला वर्ड पहले से मैच कर रहा है। हो सकता है कि एक से लेके दस हो, माइनस नौ कर दे, लेकिन दस से लेके उन्नीस माइनस नौ नहीं, यहाँ पे प्लस नौ हो रहे हैं। सत्रह और आठ कितना हो गया, माइनस सात तो ये रहे, दो रहे माइनस नौ, और यहां पे क्या कर दिया, यहां पे माइनस नौ और यहां पे भी माइनस नौ, डबल माइनस नौ हो गया, वो तो करना ही नहीं है। यहां पे प्लस नाइन हो गया, ढंग से देखिए, यहां से प्लस नाइन, यहां से प्लस नाइन, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस। एक तरीका और है, ये क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा, कैसे सही होगा देखिए, यहां देखिए आप, अगर ये उससे बेस्ट बैंक बनता है अपना तो यही आंसर होगा, गारंटी है। देखिए 12 से कितना रह गया, 10 माइनस 2, 17 और 2 19 प्लस 2, 10 और 8 माइनस 2, 1 और 3 प्लस 2, क्या उससे अच्छी सीरीज है क्या, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, वहां पे आ रहा था क्या, यहां से लेके यहां तक प्लस 9 प्लस 9 माइनस 9 माइनस 9, शायद ये सीरीज अच्छी नहीं है, ये सीरीज बेस्ट है। यहां पे एक फॉलो हो रहा है अपना क्रम, क्रम का मतलब बोले तो एक के बाद एक, यहां पे एक के बाद नहीं है, दो के बाद दो, फिर दो के बाद दो, ये लंबी यदि सीरीज होती तो बेस्ट रहता, लंबी सीरीज नहीं है, इसलिए हमारा फॉर्मेट ये रहेगा, आंसर इससे निकलेगा ना कि इससे, जो बच्चे इससे निकालेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा, ये मेन डिफरेंस होता है। आप सही भी में तैयारी करते हो तो आंसर ये आएगा, आप तो कलो जी लगाओगे तो आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए 10 16 17 और 12, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, पहले वाले वर्ड में क्या रहा है, माइनस 2 हो रहा है, इसलिए इसका ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। पहले वाले वर्ड पे क्या हो रहा है, माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, आप लिख लीजिए आराम से, ये कितना रहा जे, ये कितना हो गया एस, ये कितना हो गया 16 और 2 18, 10 और 2 सॉरी 16 माइनस 2 14, और 10 और 2 12, तो ये आंसर आपका सबका मैच आया है कि नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। अब इस टाइप है नेक्स्ट, वो पढ़ेंगे कल, पहले कुछ सप्लीमेंट्री मेथड पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको कुछ याद करने के लिए दिया था, कल मैंने आपको कुछ याद करने के लिए दिया था, अगर जिस बच्चे ने याद किया होगा उसके लिए आज की क्लास और सरल बन जाएगी, और जिस बच्चे ने याद नहीं किया होगा उसके लिए आज की क्लास टफ बन जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, एक से लेके दस तक के तो क्या होने चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, एक से लेके पांच तक के क्यूब याद होने चाहिए। आपने इन दोनों को याद किया क्या, नहीं किया तो आज याद कर लीजिए, और आपको थोड़ा सा मैटर मिल जाता है, केवल 10 से लेके और 20 तक का स्क्वायर याद करना है, और 5 से लेके और 10 तक के क्यूब याद करने हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना, 10 से लेके 20 तक के स्क्वायर, 5 से लेके 10 तक के क्यूब, लिख दे रहा हूं मैं, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है 18 का जो स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है और जो 20 का स्क्वायर होता है, लिख लीजिए इसको। यहां तक तो आपको कल याद करना है, उसके बाद 5 का जो क्यूब होता है, कल मैंने बताया था आपको
छह का जो क्यूब होता है 216, सात का जो क्यूब होता है 343, आठ का जो क्यूब होता है 512, नौ का जो क्यूब होता है 729 और 10 का जो क्यूब होता है 1000। यहां तक आपको कल याद करना होगा। देखिए ये क्लास ऑफलाइन तो है नहीं, मैं आपसे एक एक पूछूंगा, लेकिन ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीजों को याद करोगे। याद करोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं करोगे तो मैं पढ़ा दे चलूंगा, आप भी पढ़ दो चलोगे। जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा ये चीज वहां से आई थी, उसके बाद में आप सोचोगे पलटोगे पन्ने, उसमें क्या मतलब है। अभी याद करते चलो, कम से कम मैटर है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने छठी सातवीं तक पढ़े हुए हैं चीजें, अब केवल आपको इनको सही ढंग से याद रखना है। देखिए मैंने जो भी पढ़ाया आज आपको, एक टाइप पढ़ाई है, केवल एक टाइप की भी एक उप टाइप पढ़ाई है, सब टाइप बोलते हैं उसे, दो टाइप केवल मैंने पढ़ाई है आपको। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग कूट वाचन, कूट लेखन भी बोलते हैं, कूट वाचन भी बोलते हैं, जो आपका कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहां से ये बताऊंगा कि देखिए यहां से जो पूरी मैंने टाइप आपको पढ़ाई है वो टाइप से इतने क्वेश्चन बने हैं, और आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे, 100% गारंटी ये दे रहा हूं आपको कि आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको बीएचयू के क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कराऊंगा पूरे, पहला कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उससे जो क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं बीएचयू के अंदर पूरे, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है, जितने भी दोस्त हैं उन सबसे बोलिए आपकी इंपोर्टेंट क्लासेस लग रही हैं, कोई छुट्टी नहीं है, आराम से घर बैठ के पढ़ो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करोगे तो भैया आपकी क्लास छूट रही है, इस बात का कन्फर्म ध्यान रख लीजिए। जितना हो सकता है आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को और थोड़ा बढ़ाइए। और हमको बहुत खुशी हुई है कि हमने पहली बार ऑनलाइन क्लास आयोजित किया और उसमें केवल मात्र 2 दिनों के अंदर 1000 बच्चों ने उसको देखा है, 1000 बच्चे लगातार उनको क्लासों को देखते रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और आपका इतना सहयोग रहा कि हम, हमारा इससे क्या है, मनोबल भी थोड़ा बढ़ता है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं, तो जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ते चलिए। यदि कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डालिए, वो मोबाइल नंबर है आपके पास, मोबाइल पे कॉल कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, यदि लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए, लिखावट में कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है किसी भी टीचर से, आप हैंड टू हैंड कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल आपकी क्लास होगी क्योंकि अभी आपकी एग्रीकल्चर की क्लास भी होने वाली है, इसलिए जो मैं आपको आज पढ़ाया हूं उसको केवल आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना, केवल एक बार सीक्वेंस देखो, नोट्स बनाते चलना, फिर मैं बोल रहा हूं नोट्स बनाते चलना, बिल्कुल जो पढ़ाऊंगा एक्यूरेट पढ़ाऊंगा, अलग कुछ भी नहीं जाएगा गारंटी के साथ, केवल जो पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से पढ़ते चलना। मैं क्लासरूम में भी ये पढ़ाता हूं, आपको भी यही पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं इस चीज को लेके कि अभी किताबों का उपयोग मत करना, आप यदि किताब उठाओगे वहां पे क्वेश्चन घुमाओगे, क्वेश्चन घुमाने के बाद आप डिप्रेशन में आ जाओगे, सर हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जिस दिन मैं टाइप पूरा करा दूं, जिस दिन मैं टॉपिक पूरा करा दूं, उस दिन मैं आपसे बोल दूंगा बेटा अब आराम से आप क्वेश्चन कर लो, आपका 100% है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं बनते हैं तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपके क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे दूंगा। गुड नाइट, गुड बाय।